किसी भी सफर के लिए दो चीजें बहुत अहम होती हैं। करो अपने लिए कपड़े पैक और पकड़ो अपने पेट के लिए कुछ स्नैक्स। और रानी जूस दे दें, एक पानी वाली बोतल दे दें बड़ी। कोकोमो मुझे भी दो कहने वाले ख्वातीनों हज़रात चैनल सब्सक्राइब करें और ट्राइडेंट के शौकीन हज़रात बेल आइकन भी दबा दें। दिस इज द ओनली रानी आई कैन अफोर्ड। कैसी गुजरी है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फिट बनी है। और बकरे शकरे मंडे हैं? बकरे शकरे यार मैं कलेजी खाई है मैंने बस। गोश्त भी खाया जाता है। मटन पसंद है या बीफ? मटन। और ईद हो गई थी आपकी? वो जो लोग कहते होते हैं कि यार मेरी ईद अब हुई है। यार मेरी ईद जो है ना वो शायद जिंदगी भर नहीं होगी। अच्छा मर गई है वो। घड़ी वार्ड मेयो हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रोड पर ट्रिप की रात इन टायरों की आवाज मेरी पसंदीदा आवाजों में से एक है। कोई जो है ना 15-20 घंटों के बाद घूमो लो लो ओ नहीं नहीं घूमो फिरो डॉट पीके की जो है ना बस आ गई है फाइनली। चलो भाई पिंडी है। जी तो नाजरीन ऑलमोस्ट हमारी जो है बस आप देख सकते हैं कि फुल हो गई है। जी मैं ना कश्मीर में ना कश्मीरी खून देखना चाहता हूँ। कश्मीर का खून? कश्मीर की लड़कियाँ जो होती है ना तो खून किस तरह देख? नहीं मतलब तो कश्मीरी लड़कियाँ होती है ना हाँ? बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा ये हमारा एक दोस्त है इब्राहिम अल्ताफ भट्ट। अच्छा कश्मीरी है ना उसने मुझे बताया। अच्छा कहता की आप लोग कश्मीर में असली असल हुसन देखो। सिर्फ कश्मीरी लड़कियों के लिए 12,000 रुपए दिए। सुभान अल्लाह जी सखरा लमुन कालिबून। इसी दुआ के साथ हमने अपने सफर का आगाज कर दिया और फिर ये हुआ। इसके साथ ही मेरे वोकल कॉर्ड्स का इंतकाल हो गया। बकिया सफर में सुकून से ना बैठने की सबने कसम खाई और नाच गाना ऐसा शुरू हुआ कि फिर वो ख़त्म ही ना हुआ। धमालें तक डाली गई, सोलो परफॉर्मेंसेस हुई, जो कभी नहीं नाचते थे उनको भी नचाया, कपल डांस हुए और पूरी बस में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ठुमकों पे पूरी बस ने वाइब ना किया हो। और बिलाखिर मेरा स्टॉप पे हम लोग पहुंचे हैं। नच नच पागल कर दिता है मुंडा तो अभी आप भी नच नच पागल हो गए हैं नाजरीन। इनू अज असी गड्डी दे विच शीला भी बनाया, मुन्नी भी बनाया, जानी भी बनाया। दोबारा अपने सफर को जारी किया और सुबह के सूरज ने हमारा इस्तकबाल किया। ये नाजरीन आप देख सकते हैं जी सुबह सुबह का टाइम है और जो है ना अभी अभी जो है सुबह की रोशनी जो है वो आसमान को छू रही है और बड़ा ही खूबसूरत जो है यहाँ पे मंजर आपके सामने पेश किया जा रहा है। और ये चेक करें ये लोंडे एस्थेटिक के आ गए हैं और यहाँ एस्थेटिक तस्वीरें बनाने के लिए। ए बी साहब जो है वो यहाँ पे बैठ गए हैं इस वक्त। यहाँ पे ये जगह का नाम चक्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप जैसे चक्रीबाज लोग आ रहे हैं जो चक्कर देते हैं। अब मेरा जरा मॉर्निंग फेस चेक करो कि क्या खूबसूरत जो है अल्लाह ताला ने मुझे नूर दिया हुआ है। वो होप्स हो गए नूर आ रहा है कि नहीं? जवाब बहुत आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? सूरज की जरूरत नहीं है भाई आप चमक रहे हो। शर्मा गई बच्ची देख सकते ना। तो ये चक्री से हमने जो है अपनी बस के अंदर फ्यूल डलवाया ना। लस्सी यानी कि फ्यूल डलवाने के बाद हम लोग दोबारा सफर को जारी करते हुए निकल पड़े क्योंकि हमारी मंजिल मुजफ्फराबाद थी। लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद में विच इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। इस इलाके की जो खासियत है वो ये है कि इस इलाके के अंदर दो दरिया बहते हैं हमारे पास। दरियाए नीलम जो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं और इसके अलावा दूसरा दरिया है दरिया जेहलम
दरे नीलम जो है ये एक्चुअली स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से और वहाँ से नीलम डिस्ट्रिक्ट से होता यहाँ पे आके जेलम के साथ मिल जाता है। इस वक्त रुके हैं स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल में, वो जो पर्ल कॉन्टिनेंटल है ये उसकी बहन है। ये जी राजा जो कोई बड़े थे उन्होंने बनवाया था जो ताकि जब कैम्बोडियंस का ट्रिप आया करेगा तो वो इधर आके जी नाश्ता किया करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं जाके नाश्ते के क्या सीन्स हो रहे हैं अंदर, जो है आवाम के लिए क्या क्या लवाजमात को रखा गया है। बाकी आप माहौल देख सकते हैं कि बहुत ही लेवल का और बहुत ही लेविश जो है ना, आप कितनी ग्रीनरी और ये दरिया और ये खूबसूरती जो है ब्यूटी यहाँ की। दिस साइट इज एक्चुअली वर्थ द 8 hours ट्रेवलिंग जो हम लोगों ने की है। राणा जी आप मुझे ये बताओ, कभी आपने डिसेंट नाश्ता किया जिंदगी में? डिसेंट नाश्ते बड़े किए हैं, मैंने हलवा पूरी नाश्ता आपको स्टैंड पर रुक रहेगा आज। और मैंने सुना डिसेंट नाश्ते में नुटेला का एक जार है और 10 बंदों को देंगे चाटो बैठ के। बात है यार स्पेशल चने इधर भी डाल डल गया। चलो जी चलो बात खिदमत है। खड़ा आशिक मैं हो मजेदार। हाजरीन हमने कश्मीर में चाय पी रहे हैं तो ये कश्मीरी चाय है, देख लें आप रेसिपीज की वही है, पत्ती शत्ती डालनी है, कावा शावा बना के दूध डाल देना है, लेकिन ये कश्मीर में पी रहे हैं तो फिर ये कश्मीरी चाय है। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बहुत आला आ रही है, कमाल है कमाल है। चेंज कर पोज, पोज चेंज कर। वाह वाह वाह। अपना जो है ना लाहौर से लेकर मुजफ्फराबाद तक जो है वो सफर का एक्सपीरियंस शेयर करो, किस तरह? यार सफर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। पहले जब हम लाहौर से चलने लगे थे तो एक डर था कि क्योंकि बारिशें वगैरह हो रही थी तो फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर था कि लेकिन इधर आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप भी है और दोस्तों वगैरह की वजह से सफर वैसे ही अच्छा हो जाता है तो बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। गड्डी दे विच पियानो शियानो दा इंतजाम असीं करके गए हुए सी, गर्श नाल रखी हुई सी अपने। या अल्लाह खैर। तो ये देख के आप परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। तो एक्चुअली ये छोटे से रास्ते के ऊपर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त हादसे का शिकार हो गई जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। यहाँ से आगे जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था जब तक आर्मी और पुलिस आकर जो है वो इस जगह को क्लियर नहीं करती और मसले का हल नहीं निकालती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हादसे के अंदर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हुआ है और वो आपके सामने है। तो जब तक रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना एक दूसरे के हाथ सेक दिए जाए। बाबर अहमदुल्ला छोले वाला, मैंने कह दिया पहले ये क्या बात हुई, पहले हमने तो दिया। अच्छा ठीक है, चीटिंग करता है तू। गुड गुड बिस्मिल्लाह ये जी नाजरीन हम लोग मुजफ्फराबाद से जो है शारदा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई है, बहुत ज्यादा सेक्सी मौसम बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा। आप पानी को चेक करें जरा जो शीशे के ऊपर जा ऐसे जा रहा है, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। ये राणा साहब अभी नहा के और मार खा के आए हैं यसु पंजू आर कबूतर डोली में। मेरी घड़ी टूट टूट गया गाइस। 300 वाली जब घड़ी लोगे 300 वाली पठान से तो वो फिर टूटनी है। चार बज गए हम लोग जो है अपने रास्ते की तरफ रवाना है, थोड़ा सा ट्रैफिक ब्लॉक आया है ड्यू टू अ मिसहैप और इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम कहर में हो। समीर भाई अपने आईफोन का फ्लैक्स मारते हुए फुल टाइम, ये बॉय मेरे नाम की गाड़ियाँ लेके मैंने दी हुई हैं लोगों को, ये चेक करो अदनान राजपूत। आज जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और वो सामने जो है ना जम्मू कश्मीर जो है वो
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो आप देख सकते हैं उनके घर है, सामने झंडा लगा हुआ है उनका। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस वो झंडा आपको पता है किस चीज की अलामत है, तो बस आप समझ जाएं। इस जगह का नाम है आठ मुकाम, ये चेक करें जरा, आठ मुकाम। तो आठ मुकाम यहाँ पे हमने स्टॉप किया है, हम इसके बाजार में आए हैं, बाजार में थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। यहाँ पे चूंकि सिग्नल चले जाते हैं जब आप कश्मीर वादी नीलम डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हो, मतलब कि टेलनर जैज जोंग जितने सिम हैं उनके सिग्नल वगैरह नहीं आते यहाँ पे, सिम यूफोन के सिग्नल आते हैं। सिम है जो यूफोन के सिग्नल कैच करती है वो एसकॉम की सिम है। तो अभी चलते हैं जाके अपने लिए एक एसकॉम की सिम लेते हैं। नॉन पीटी आईफोन के लिए भी वो जो है ना सिम बेस्ट है, यानी कि नॉन पीटी अप्रूव है या नहीं है आपके पास जो वो वाली सिम है ना एसकॉम, वो चल जाती है। तो इस चाचा जी आपने आलुओं के ऊपर मसाला लगाया हुआ है, अंडे अंडे पे। अच्छा ये कितने का है? एक 30 रुपए का। और पकोड़े कितने रुपए पाव है? 120। दो पकोड़े दे दो और दो ये दे दो। काश मेरी कोई होती तो मैं उसके लिए ये लेता। एसकॉम की सिम हमें नहीं मिल सकी क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 बजे तक फ्रेंचाइज ऑफ हो जाती है, आप थोड़ा लेट आए हो, और जो है वो सिर्फ फ्रेंचाइज से ही मिलती है, तो अब हम कल लेंगे वो सिम। और हमारा थोड़ा सा यहाँ पे डिले है आठ मुकाम में, तो तब तक हम थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं यहाँ पे। जी तो काशा भाई, आठ मुकाम जो है ये आपको किस तरह की जगह लगी है? ओवरऑल यार और बहुत अच्छी जगह लगी, मेरी तो ख्वाहिश है किंग एडवर्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किंग एडवर्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्या बात है यार। One eternity later. लड़ाई होगी रास्ते में, मैंने सुना है वो, मैं अभी छुड़वा के आया हूँ अभी। अच्छा, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसी छोटी मोटी बातें बड़े बड़े ठीक है।